हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जगदीप राठ, स्वागत है आप सभी का, जहां पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं आपकी स्टडी के लिए लेक्चर्स। सो बस आपको एक चीज़ करनी है, इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। सो अब आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं ये डिस्कस करते हैं। सो इससे पहले मैं बता दूँ, मैंने क्लास टेंथ की इंग्लिश की जितने भी चैप्टर्स हैं वो कम्प्लीट करवा दिए गए हैं और अब ये हमारा लास्ट चैप्टर रह गया है इंग्लिश लिटरेचर का। सो लिटरेचर सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है, इसको आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर आपने वो उनमें से कोई भी लेक्चर मिस किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, जाओ उसे चेकआउट करो और प्रिपरेशन को स्टार्टअप करो। सो आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, क्लास टेंथ इंग्लिश का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं हम, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वह बुक जिसने धरती को बचाया, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है। सो ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, यानी कि लिटरेचर सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है। सो बस इससे हमारे जो लिटरेचर सेक्शन है जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो अब जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ बाय क्लैरी बोक्यो इसके ऑथर का नेम है, इज सेट इन द 25th सेंचुरी, जिसे 25th सेंचुरी में सेट किया गया, यानी कि ये फ्यूचर की स्टोरी है। इट इज़ अ ह्यूमरस टेल ऑफ हाउ अ बुक नर्सरी राइम सेव अर्थ फ्रॉम इन्वेजन बाय मार्टियंस, कि जो मार्स के लोग हैं ना, मार्शियंस, उन्होंने और उनसे जो एक राइम नर्सरी राइम की बुक ने अर्थ को कैसे बचाया उनसे, तो वो हम इस पर्टिकुलर स्टोरी में देखने वाले हैं। और इन्वेंशन यानी कि वो क्या करने वाले थे, इस धरती पर अटैक करने के लिए जासूसी करने आए थे, तो कैसे एक नर्सरी राइम की बुक उन्हें हमारी इस धरती को उनसे बचाती है। सो इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं, हिस्टोरियन, ही इज़ अ मेंबर ऑफ म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री का वो एक मेंबर है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, और किसका मेंबर है, डिपार्टमेंट जो कि 20th सेंचुरी का जो डिपार्टमेंट है उसका भी वो एक क्या है, मेंबर है। ठीक टैंक, ही इज़ अ कमांडर इन चीफ ऑफ मार्टिन फोर्सेस, वो मार्टिन फोर्सेस में एक कमांडर है चीफ एज अ चीफ, एंड प्रिपेयर टू इन्वेड अर्थ, और वो यानी कि अर्थ पे और प्रिपेयर कर रहा है कि वो अर्थ पे अटैक कर पाए। नूडल, ही इज़ एन ट्रेनी अंडर टिक टैंक, वो ट्रेनी है टिक टैंक के अंदर, ही इज़ अ सेंसेबल एंड लेवल हेडेड फिगर, और वो बहुत ज़्यादा सेंसेबल और लेवल हेडेड उसका फिगर है। कैप्टन मोंगा लिटन लोटा, दे आर द क्रू ऑफ प्रोवन, वो क्रू है, दे आर सेंट टू द अर्थ टू नो अबाउट अर्थ बिफोर इन्वेडिंग इट, वो जानना चाहते हैं, वो अटैक करने से पहले अर्थ के बारे में जो है जानना चाहते हैं। सो इट इज़ अ 25th सेंचुरी, 25वीं शब्दादी यानी कि सेंचुरी है। दिस सेंस इज सेट एट द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ये सेंस कहाँ पर सेट किया गया है, म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री पे। द डिपार्टमेंट इज डैट ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि डिपार्टमेंट है 20th सेंचुरी। हिस्टोरियन टेल्स डैट द पीपल एट दैट 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड ईरा ऑफ बुक, हिस्टोरियन ने कहा कि जो पीपल है ना वो 20th सेंचुरी को ईरा ऑफ द बुक कहते हैं। सो दे वर बुक्स ऑन एवरीथिंग, यहाँ पर हर एक जगह वहाँ पर बुक्स थी। दे कवर्ड ऑल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ, उन्होंने सारे एक्सपेक्ट्स थे जो लाइफ के वो कवर्ड किए। शी टेल डेट मार्टियंस, उन्होंने कहा कि जो मार्टियंस है ना, पीपल ऑफ मार्स डिसाइडेड टू इन्वेड अर्थ इन 2040, यानी कि वो 2040 में अर्थ पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ये जो हमें स्टोरी में बता रहे हैं। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू नो डैट इट वॉज द बुक डैट सेव्ड द अर्थ, हर एक बहुत ज़्यादा मतलब चकाचौंध हो गया कि कैसे जानेंगे कि एक बुक ने अर्थ को सेव किया। शी टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर एंड शो हाउ इट ऑल हैपन, ये मतलब एंट्री होती है जब म्यूजियम की, पहले पर्दा नहीं खुलता तब उससे पहले नहीं कहते, तो ये वो चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि चलिए नहीं देखते हैं कैसे ये होता है। द रूलर ऑफ मार्स द माइटी टिक टैंक, जो रूलर है मार्स का माइटी टिक टैंक, इज़ अ प्राउड क्रिएचर, एक बहुत ज़्यादा प्राउड क्रिएचर है, हुज़ हैड इज़ अ फुल ऑफ हिमसेल्फ, उसका हैड है ना वो खुद से ही बना हुआ है, यानी वो खुद की तारीफ ही करता रहता है। He calls Earth a ridiculous planet, वो अर्थ को एक ridiculous planet कहता है। He commands his trainee, वो अपने trainee को command करता है Noodle, to call the space probe, ताकि वो space probe को call कर सके, that is invading the Earth, जो कि अर्थ पे attack करने वाले हैं। The space probe find itself in a central valley public library, और जो space है ना उसने क्या प्रूव किया कि उन्होंने खुद को कहाँ पर पाया है, central public library में। दे आर पजल, वो बहुत ज़्यादा पजल है। दे आर नॉट फैमिलियर विथ बुक, वो बुक से फैमिलियर नहीं है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड वट आर दोज थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वो नहीं जानते कि क्या है थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सर्जन डॉब थिंक्स डैट द बुक्स आर हैट, उसने कहा कि जो सर्जन डॉब्स हैं उसने कहा कि ये ना हैट है।
But Think Tank calls that sandwiches and them sandwiches and order the crew to eat him. वो उसमें थिंक टैंक ने कहा कि ये तो सैंडविचेस है, यानी कि बुक्स को ही सैंडविचेस बना रहा है उसने, और क्रूज को कहा कि तुम इसे खाओ. देन वाइज नूडल जेंटली सजेस्टेड दैट दे मे हैव बी हैव डिजायर्स. उसने अब उसके बाद नूडल उसने कहा कि तुम इसे खाओ, तो उन तीनों में से इसे खाया, तो बोला कि ये तो उसका स्वाद तो बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है, तो ये जो है सैंडविचेस तो नहीं हो सकती क्योंकि अब वो खाने की चीज़ थोड़ी है, बुक को ही खा रहे हैं. उसके बाद जो वाइज नूडल था उसने सजेस्ट किया कि ये जो डिवाइसेस हैं, यानी कि ये कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हैं. थिंक टैंक आस्क द प्रूव टू टीम. उसने कहा कि चलो इसको प्रूव करके दिखाओ थिंक टैंक ने. तो दे उन्होंने मतलब एक को पकड़ा है और दोनों का एक एक पकड़ा और उस पर बोले, लेकिन उन एक दूसरे को कुछ नहीं सुनाई दिया. दे डू नॉट एवरीथिंग एनी थिंग अगेन. नूडल वेर वेरी सजेस्ट दैट अर्थलिंग वॉच दैम. कि अगेन नूडल ने वेरी उसने बहुत ज़्यादा पॉलाइटली से कहा कि जो जो अर्थलिंग्स हैं ना वो हमें देख रहे हैं. दे कैन नॉट रीड द बुक्स एंड कम टू कंक्लूजन. वो उन्होंने कभी बुक्स नहीं पढ़ी थी और एक कंक्लूजन पे आए. दैट प्रिंटेड लाइन्स एंड द पिक्चर मस्ट बी काइंड ऑफ कोड. कि जो पिक्चर्स लाइन और ये है ना, ये पिक्चर्स ये क्या एज अ कोड है, यानी कि अभी उनको बुक्स के बारे में तो पता नहीं है, तो वो कह रहे हैं कोड है. थिंक टैंक आस्क द प्रोब टीम टू ईट द विटामिन्स गिवन टू दैम. उसने कहा कि चलो मुझे इस पर प्रूफ करके दिखाओ कि जो विटामिन हैं उनको दिए गए हैं वो मुझे ला के दो, मैं भी तुम भी खाओ उसको, और ये कोड्स हैं ना इनको पढ़ो. दे फॉलो हिम एंड एबल टू रीड द बुक. और उन्होंने फॉलो की और वो बुक पढ़ने के लिए तैयार हो गए. द लाइन्स आर अबाउट मिस्ट्रेसिस मैरी. जो लाइन है वो मिस्ट्रेस मैरी के बारे में थी एंड हर गार्डन ऑफ कुकल शेल, और उसके गार्डन के बारे में जो कि कुकल शेल के थे. एंड सिल्वर बेल्स थी जिसमें देर इज़ अ लाइन वेयर आर डिश रनस अवे विथ अ स्पून. और वहाँ पर एक लाइन आ गई कि डिश रन विथ अ स्पून. सो अब ये लाइन आ गई ना, ये बड़ा ही फनी है. इसमें कुछ लाइनें होंगी आप बुक्स में पढ़ना, आपको बड़ा हंसी आ गई. द काओ जंप टॉप ऑफ द मून. और इन्होंने कहा कि जो काओ है ना वो जंप कर रही है मून पे. थिंक टैंक दैट अर्थलिंग वर वेरी एडवांस. थिंक टैंक ने सोचा कि जो अर्थलिंग है ना बहुत ज़्यादा एडवांस है. दे ग्रो शेल्स एंड सिल्वर. उसने सोचा कि जो वो ना सिल्वर और शेल्स को ग्रो कर रहे हैं. दे थॉट दैट एनिमल कल्चर एंड म्यूजिक, यानी कि वो एनिमल के कल्चर और म्यूजिक को ही सिखा रहे हैं. ही थॉट दैट दे वर आउट अबाउट टू सेंड काउज फॉर इन्वेजन टू द मून. और उन्होंने सोचा कि वो खुद जो काउज है ना उन्हें मून पे अटैक करने के लिए भेज रहे हैं. ही इज़ अ फर्स्ट टेरिफाइड व्हेन ही इज़ सेंड टू द पिक्चर ऑफ फॉलन एम्प्टी डम्प्टी. और उसके बाद जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे हमारी एक हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर दिखी, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया. शी थिंक दैट टू बी, क्योंकि उसका भी हैड बहुत ज़्यादा बड़ा था लाइक अ हम्प्टी डम्प्टी, क्योंकि उसका हैड भी हम्प्टी डम्प्टी की तरह ही था, ठीक है. तो अब वो बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि उसका भी हैड एज अ हम्प्टी डम्प्टी था. उसने सोचा कि जो इंडिया ने लोग हैं ना उन्होंने मुझे देख लिया, तो अब क्या होता है. ही कैंसल द इन्वेजन. उसने अब उन्होंने सोचा कि इंडिया के लोगों ने तो मुझे देख लिया, उन्होंने इन्वेजन को कैंसिल कर दिया. ही आस्क टू प्रूव टू लीव. उसने प्रोव को कहा कि चलो यहाँ से चलो. ही ऑर्डर्स टू हिज फ्लीट टू एस्केप द स्टार अल्फा सेंचुरी एंड इवेलुएट मास. उन्होंने कहा कि एस्केप और स्टार अल्फा सेंचुरी और इवेलुएट मास को कहा. ही फाउंड टू बी एज अ फार अवे एज पॉसिबल. उसने कहा कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाए, अर्थलिंग्स के से यहाँ से चले जाए, क्योंकि अर्थलिंग्स ने उन्हें देख लिया है. द हिस्टोरियन रिवील्ड दैट इट वॉज अ मदर गूस. यानी हिस्टोरियन ने बुक्स रिवील किया कि ये बुक कौन सी थी, मदर गूस. ये राइम्स की बुक थी डैट सेव्ड द अर्थ, जिसने अर्थ को बचाया. एनी वे नूडल सक्सीड थिंक टैंक एंड बिकम द हेड ऑफ मार्स. उसके बाद क्या, नूडल ने हरा दिया थिंक टैंक को और वो मार्स का हेड बन गया. मार्स एंड अर्थ वर नाउ फ्रेंड्स. अब मार्स और अर्थ अब फ्रेंड बन गए. अर्थलिंग हैव बीन सेट अप अ लाइब्रेरी इन दिस कैपिटल. अर्थलिंग ने अपनी एक लाइब्रेरी सेट की कैपिटल में. मार्स पोलिस फनीली हाउ एवर मार्चियंस कुड नेवर गैदर टू करेज रीड द मदर गूस बुक. और यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े किए उसको. तो इसी के साथ ये चैप्टर बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर है. क्या हो रहा है इसमें, यानी कि जो है हमारे थिंक टैंक वगैरह वगैरह वो टीम और वो उनकी जो टीम है वो अर्थ पे इन्वेजन करने के लिए आई है, और उन्होंने एक बुक पढ़ी जहाँ पर एक लाइन आई डट काओ जम्प्ड ओवर द मून. तो वो कह रहे हैं कि जो गाय वो पशुओं को भी सिखा रहे हैं, क्योंकि वो गाय को इन्वेजन करने के लिए भेज रहे हैं मून पर. तो अब उन्हें बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर आती है, तो वो कहता है कि ये तो हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर है, मेरी है, लगता है उन्होंने मुझे देख लिया. उसके बाद जो हमारा जो है नूडल है वो मार्स का बन जाता है, जो उसका प्रेसिडेंट वगैरह होता है.
वो अब अर्थ और नाव वो फ्रेंड्स होते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, मार्स के लोग अपनी कैपिटल में क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी को सेटअप करते हैं। सो इसी के साथ बस ये छोटा सा चैप्टर था, और हमारी क्लास टेंथ इंग्लिश भी वो पूरी हो गई है। ठीक है, क्लास टेंथ इंग्लिश भी अब से हमारी पूरी हो गई है, पूरी बुक मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, पूरा सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ इंग्लिश लिटरेचर अब यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नई चीज़ के साथ, तो तब तक के लिए बस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर एंड बाय बाय।